हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सियोंग की मदर उसे बहाना बनाकर हानी के पास भेज देती है कि मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ और वहाँ हानी अकेली वेट कर रही है, तो तुम चले जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है म्यूजिकल शो खत्म हो जाता है। हानी और सियोंग बाहर आते हैं। हानी सियोंग को बोलती है, अगर तुम भी पारंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो हम दोनों वहाँ एंजॉय करेंगे। लाइफ को फन के साथ जीना ही लाइफ है। इसके बाद सियोंग हानी के लिए वेंडर मशीन से एक टॉय जीतता है और हानी को देता है। हानी खुश हो जाती है और जुन भी तभी वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। जुन हानी को बोलता है, तुम दोनों साथ में म्यूजिकल शो देखने गए थे, और हानी से पूछता है, कहीं सियोंग ने पॉपकॉर्न खाते हुए तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ा था ना। हानी जुन को बताती है, म्यूजिकल शो में पॉपकॉर्न नहीं होते। जुन हानी के हाथ में टॉय देखकर पूछता है, ये किसने दिया। हानी बताती है, सियोंग ने मेरे लिए वेंडिंग मशीन से जीता है। सियोंग ने मुझे यह गिफ्ट कॉलेज में एडमिशन की खुशी में दिया है। जुन हानी को बोलता है, इतना सस्ता गिफ्ट, क्या ये तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। हानी बोलती है, वेंडिंग मशीन से टॉय जीतना आसान नहीं होता। जुन बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है। सियोंग यह सुनकर अपना टशन हानी को दिखाता है, वहीं बैठकर डस्टबिन में गिलास फेंक कर। यह देखकर जुन भी पीछे नहीं रहता है और दोनों बस शुरू हो जाते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और खुद को हानी के सामने कूल दिखाने के लिए। लेकिन जुन गिर जाता है। हानी जुन पर हंसती है और सोचती है, ये सिचुएशन ऐसी है जैसे दो प्रिंस उसके प्यार में पागल होकर आपस में एक दूसरे को मार रहे हो। इसके बाद सियोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस का एग्जाम देने चाहता है, लेकिन हानी को विश्वास नहीं होता कि सियोंग एग्जाम देने जाएगा, क्योंकि वो कॉलेज जाने से मना कर रहा था। हानी उसके पीछे पीछे जाती है, उसे फॉलो करती है। रोड क्रॉस करते हुए हानी एक आदमी से टकरा जाती है और उसका टॉय रोड पर गिर जाता है, जो सियोंग ने उसे दिया था। हानी टॉय वापस लेने के लिए जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दो लड़के चिल्लाते हुए सियोंग के पास से गुजरते हैं, एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। सियोंग देखता है, ये हानी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानी हॉस्पिटल में होती है। उसका एक पैर पर प्लास्टर लगा हुआ होता है और सियोंग एग्जाम देने नहीं जा पाता। हानी सियोंग से माफी मांगती है और उसे बोलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं सच में तुम्हारी लाइफ में एक मुसीबत हूँ, इवन शायद इससे कहीं ज्यादा डिजास्टर हूँ। तभी जुन और हानी की फ्रेंड मीना उसे वहाँ देखने आती है। जुन सियोंग पर भड़कता है, तुम्हारी वजह से हानी के साथ ऐसा हुआ है। हानी जुन को चुप रहने को कहती है और वहाँ से जाने को कहती है। मीना जुन को वहाँ से ले जाती है। सियोंग हानी से पूछता है, मैं भी जाऊँ क्या। हानी बोलती है हाँ, और सियोंग से मुंह फेर कर रोने लग जाती है। सियोंग वहीं खड़े होकर सब देख रहा होता है। इसके बाद हानी घर आ जाती है। सियोंग की मदर हानी को डाइनिंग टेबल पर साथ ना देखकर सियोंग से नाराज हो जाती है। तुम्हारी वजह से वो उदास है, और सियोंग का खाना भी छीन लेती है। जब तक वो नहीं खाएगी तुम्हें भी नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हानी सियोंग के घर से जाने का डिसाइड कर लेती है और अपना सारा सामान पैक करके जा रही होती है। तभी सियोंग वहाँ आता है। हानी का सामान देखकर बोलता है, तुम जा रही हो। हानी बोलती है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ की परेशानियों को और नहीं बढ़ाना चाहती। सियोंग हानी को बोलता है, तुम इसलिए जा रही हो क्योंकि मैं टेस्ट देने नहीं जा पाया, पर मैं ऐसा नहीं सोचता, और हानी को एक एनवलप देता है। हानी एनवलप खोलकर देखती है, सियोंग ने पारंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, और शॉक हो जाती है। हानी सियोंग से पूछती है, तुम सच में इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी प्रेफरेंस तो ये यूनिवर्सिटी नहीं थी। सियोंग हानी को बताता है, पारंग यूनिवर्सिटी उसे अच्छी स्कॉलरशिप दे रही है और अब्रॉड में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी भी, और हानी को बोलता है, अब तक तुमने जो मेस किया है मुझे मजा आया। तुम्हारी वजह से पहली बार मुझे डर लगा कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। सियोंग हानी को थैंक्स बोलता है उसे अपनी लाइफ में नई चीजों के एक्सपीरियंस के लिए। ये सुनकर हानी सियोंग को बोलती है, तो तुम मेरे लिए इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। सियोंग बोलता है, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। जब तक मुझे अपना इंटरेस्ट पता नहीं चल जाता, तब तक मैं एक्साइटमेंट के साथ लाइफ जीना चाहता हूँ।
ये सुनकर तुरंत हानि सियोंग को बोलती है, क्या मैं यहाँ तुम्हारे घर और रुक सकती हूँ? मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। सियोंग हानि से पूछता है, क्या तुम श्योर हो? हानि बोलती है, श्योर तो नहीं हूँ, पर ट्राई जरूर करूंगी। सियोंग मान जाता है और उसका सामान वापस उसके कमरे में रख देता है। हानि सियोंग से पूछती है, तुम्हें पहले से ही पता था तुम पारंग यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और मैं गिल्ड की मारी मरी जा रही थी। सियोंग बोलता है, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था तुम्हें ऐसे देखकर। और हानि से पूछता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं एडमिशन कैंसिल कर सकता हूँ? हानि बोलती है, नहीं कोई नहीं, मुझे भी मजा आया। तिब्बत चुन हानि के फादर के पास जाता है और उन्हें मक्खन लगाने के लिए गिफ्ट देता है, ताकि फादर उसे अपनी रेसिपी सिखाए, लेकिन फादर उसे मना कर देते हैं। तभी कुछ कस्टमर वहां आते हैं जिन्हें चुन अच्छे से अटेंड करता है, तो फादर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानि सियोंग के लिए गिफ्ट खरीदने जाती है, पर जो भी वो खरीदना चाहती है काफी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हानि पैसे कमाने का सोचती है और एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने लग जाती है। हानि जॉब की वजह से घर पर लेट हो जाती है और थक भी जाती है। सियोंग की मदर हानि को रोज लेट आता हुआ देखकर बोलती है, आजकल तुम लेट क्यों हो जाती हो? हानि थकी हुई होती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। सियोंग हानि के रूम में आता है और उससे पूछता है, आजकल तुम घर लेट क्यों आती हो? हानि सियोंग को बोलती है, क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? सियोंग हानि को बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, बस मेरी मदर लेट तक जागती रहती है तुम्हारी वजह से, ताकि डोर खोल सके। हानि बोलती है, मुझे पता है, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, और सो जाती है। नेक्स्ट डे हानि स्टोर पर होती है। सियोंग भी उसी स्टोर में सामान लेने आता है। हानि सियोंग को देख लेती है और सियोंग से बचने के लिए अपना पूरा मुंह ढक लेती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सियोंग बिलिंग कराने काउंटर पर आता है, हानि को दिखता नहीं है तो सियोंग को ज्यादा पैसे वापस कर देती है। स्टोर के ओनर को पता चलता है तो हानि को जॉब से निकाल देता है। इसके बाद हानि एक रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी की जॉब ज्वाइन कर लेती है और पहली ही डिलीवरी सियोंग के घर होती है। हानि फिर से अपना फेस कवर कर लेती है और बच जाती है। इसके बाद मीना और हानि चूरी से मिलने जाती है, क्योंकि उसके ग्रेड्स अच्छे ना होने की वजह से पारंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो वो काफी अपसेट हो जाती है। दोनों फ्रेंड्स जूरी को हेयर ड्रेसर बनने का सजेशन देती हैं, क्योंकि वह उसमें बेस्ट है। जूरी यह सुनकर खुश हो जाती है। तीनों फ्रेंड्स स्कूल के लास्ट मोमेंट को एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हानि और सियोंग स्कूल ग्रेजुएशन डे के लिए तैयार हो रही है। हानि सियोंग को गिफ्ट में हेड मसाजर देती है, लेकिन सियोंग नहीं लेता। तभी मदर वहां आती है, सियोंग को लेने को बोलती है, पर सियोंग चला जाता है। मदर हानि से पूछती है, तुमने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे खरीदा? हानि मदर को बताती है पार्ट टाइम जॉब करके। सियोंग भी स्टेयर्स पर ही खड़ा होता है और सब सुन लेता है। के बाद सभी बच्चे स्कूल के हॉल में होते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। जुन सियोंग से पूछता है, तुमने पारंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लिया है? क्या इंटेंशन है तुम्हारा? तो यूनिवर्सिटी है और तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, आंख बंद कर भी पेपर दोगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, तो तुमने सिर्फ यही यूनिवर्सिटी क्यों चुनी? सियोंग चुन को बोलता है, मैं तुम्हारी बकवास पर रिएक्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट होती है। सियोंग और हानि के पेरेंट्स भी वहाँ पहुँचते हैं। प्रिंसिपल हानि और सियोंग को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देने के लिए स्टेज पर बुलाता है। सर्टिफिकेट लेने के बाद हानि स्टेज से उतरते वक्त सियोंग पर गिर जाती है। पूरा स्कूल उन पर हंसता है। इसके बाद मदर हानि को सियोंग के पास जाने को कहती है फोटो क्लिक कराने के लिए, लेकिन हानि मना कर देती है, मुझे सियोंग से डर लगता है। लेकिन फिर भी मदर हानि को जबरदस्ती सियोंग के पास भेज देती है। सियोंग हानि से पूछता है, तुम मेरे साथ फोटो क्लिक कराना चाहती हो? हानि डर की वजह से मना कर देती है। सियोंग देखता है बाकी लड़कियां हानि पर हंस रही हैं, इसलिए उसे बुलाकर उसके साथ फोटो क्लिक कराता है। फोटो क्लिक कराते समय सियोंग हानि को बोलता है, शायद तुमने मुझे उस दिन स्टोर पर ज्यादा पैसे दे दिए थे। हानि यह सुनकर हैरान हो जाती है। सियोंग को पता था वो वहाँ काम कर रही थी। मदर भी इसी सिचुएशन में दोनों का फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट लास्ट ग्रेजुएशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। चुन हानि के लिए सबके सामने सॉन्ग गाता है। सियोंग के सामने यह सब देखकर एम्बैरेस फील करती है। चुन का परफॉर्मेंस खत्म होता है, तभी चुन को हानि के फादर का कॉल आता है, उसे रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। ज्यादा कस्टमर होने की वजह से
अर्जुन अपनी टोली के साथ वहां से चला जाता है। सियोंग के टीम इसके बाद सियोंग के टीचर सबके सामने उससे पूछते हैं, क्या तुम पारंग यूनिवर्सिटी में हानि के लिए जा रहे हो? सियोंग बोलता है, अगर मैं किसी स्टूपिड लड़की की वजह से यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो ये मेरी इंसल्ट है। हानि को गुस्सा आता है, सियोंग ने उसे स्टूपिड कहा और सियोंग को बोलती है, तुम जीनियस पैदा हुए हो, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तो दूसरों को नीचा दिखाना बंद करो। सियोंग हानि को बोलता है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, लोग खुद ही ऐसा सोच रहे हैं। हानि सियोंग को बोलती है, तुम सच में इंसान नहीं हो, तुम्हें उनकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है, तुम बहुत ही रूड हो। सियोंग हानि को बोलता है, तुम इस रूड लड़की को क्यों पसंद करती हो? हानि बोलती है, क्या बोल रहे हो? सियोंग हानि को याद दिलाता है, तुमने ही तो कहा था तुम मुझे पसंद करती हो, और तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी बस मेरा ही नाम लिखा है हर जगह। हानि सियोंग को बोलती है, अच्छा तो तुम इतनी दूर तक जाओगे, मेरे पास भी कुछ है तुम्हारे लिए, और सभी को सियोंग की लड़कियों वाले कपड़ों की बचपन की फोटो दिखाती है। सियोंग हानि को रोकता है, हानि नहीं मानती तो सियोंग उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। हानि सियोंग को बोलती है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, जितना मर्जी डराओ, तुमने मेरी फीलिंग का सबके सामने मजाक बनाया, इसलिए मैंने ये किया है, और अब मैं तुम्हें और पसंद नहीं करूंगी, सब खत्म, ग्रेजुएशन के साथ मेरा क्रश भी खत्म। सियोंग हानि को बोलता है, तुम ऐसे करोगी, मुझे भूलने की कोशिश करोगी, और हानि को किस करता है। हानि को समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ, क्या सच में सियोंग ने उसे किस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।